की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज सरकाघाट बाजार में मैं आप सब भाई बहनों का, बुजुर्गों का, बच्चों का, मातृशक्ति का, हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे जितने भी यहाँ पे रिश्तेदार हैं, क्योंकि सरकाघाट जो है वो मेरी मम्मी का जो घर है, जहाँ से मेरी माता जी आती है। मम्मी खड़े हो जाओ जरा, तुम जानते होंगे मेरी मेरे मामे सरकाघाट है। मेरे मामा भी खड़ी जाऊंगा, मेरा किशोर मामा खड़ी जाओ, बाल मामा खड़ी जाओ। तो मेरे मामे देना से बनानी पड़ेगी इनकी वीडियो तो लगे किशोर, हाँ किशोर मामा जी तो कहा, तो मेरे हाँ बड़ा मामा भी खड़ी गए। तो मेरे से जो सारे बैठ जाओ, तो मेरे से जो सारे मामे से इस प्रकार घाट रहे आए कने जिस खातर हरे थी काफी मिलना जुलना रहेगा। मैं आप सब लोगों का यह अभिनंदन करती हूँ खुली बाहों से और बहुत प्रेम से, बहुत स्नेह से, जैसा आप लोग मुझे हमेशा मेरा स्वागत सत्कार करते हैं, उतना ही उससे ज्यादा मैं आपका अभिनंदन, आपका स्वागत सत्कार करती हूँ। दोस्तों, मैं हमारे विधायक दिलीप जी, जिन्होंने हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, उनका स्वागत करती हूँ। सुदेश चंदेल जी जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, प्रियव्रत शर्मा जी हमारे जो सह संयोजक हैं, विनोद सुयाल जी प्रवासी अभारी जो हैं, राजेंद्र भुट्टो जिला महामंत्री, नीलम परमार, पवन ठाकुर, संदीप जसवाल, के एल राणा, ओम प्रकाश, कमलेश नेगी जी, विनीत ठाकुर, दिलीप भारद्वाज, प्रेम कुमारी जी, चुने हुए सभी पंचायत के मेरे प्रतिनिधि और मेरे परिवारजनों। दोस्तों, न जाने मेरा क्या पुण्य कर्म थे, क्या मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं बहुत ही छोटी उम्र में जब घर छोड़कर चली गई थी व्यवसाय के लिए, अपने काम के लिए, अपने करियर के लिए, अब इस मुकाम पर मुझे मेरी मातृभूमि ने, मुझे मेरी जन्मभूमि ने वापस बुलाया है, मुझे मेरे मंडी वासियों ने वापस अपने पास बुलाया है, तो निश्चय ही मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारी पार्टी में 17 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो है वो सम्मिलित है। हमारे जो नेता है वो ना कि सिर्फ इस देश के, समस्त विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेता है। अगर सारे विश्व के नेताओं को एक लाइन में खड़ा किया जाए और योग्यता और लोकप्रिय के आधार पर उनकी पोलिंग हो, उनको परसेंटेज हो, तो हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा 78% जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आज विश्व में सूरज की तरह चमकते हैं और विश्व गुरु बनकर ना कि सिर्फ हमारे देश को, समस्त विश्व को प्रकाशित करते हैं, प्रज्वलित करते हैं। मोदी जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे महान, ऐसे यशस्वी इस देश के बहुत ही वीर, योग्य, त्यागी, तपस्वी जो पुत्र हुए और आज के सबसे लोकप्रिय जो नेता हुए, जब उन्होंने अपने लिए प्रत्याशी सोचा, तो आपकी इस बेटी को, आपकी छोटी बहन को मंडी से सोचा। दोस्तों, ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य, मगर फिर भी हमारा जो सरकाघाट का जो इलाका है वो तो बहुत ही पीछे रह गया है। हमारा जो भामला गांव है, आज वहां पर केंद्रीय विद्यालय नहीं, अस्पताल तो दूर की बात है। छोटी छोटी सड़कें हैं और एक तरह से अभी भी उसे कनेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। दोस्तों, उसी तरह से सरकाघाट में भी बहुत सारे काम है और कई जगहों पर काम सभी जगहों पर है, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसे एक जम के और डट के काम करने का मौका कहीं ना कभी मेरे प्रदेश के वासी दे नहीं पा रहे हैं। ऑन ऑफ अगर आपके घर की बिजली की जाए तो कैसा लगेगा आपको, बटन पे ऑन ऑफ करते रहेंगे, ना वो लाइट ही होगी ना वो अंधेरा ही होगा। तो इसी तरह से ये लोग आते हैं, प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं, काम करते हैं और सरकार चेंज। 1000 से ज्यादा कार्यालय इन लोगों ने बंद करा दिए हैं, सारे प्रोजेक्ट बंद करा दिए हैं और इनसे क्या ही होगा, खुद ही आपस में लड़ मर रहे हैं ये, आप लोगों का तो क्या ही कल्याण करेंगे, खुद की सरकार तो ये चला नहीं पा रहे हैं।
हजार से ज्यादा करोड़ की राशि इन लोगों ने मात्र 10-15 महीनों में ही ले ली, और कहां गई, क्या उसका किया, कुछ पता नहीं। कितने ज्यादा झूठ इन्होंने बोले, 1500 रुपए देंगे हम आपको, ये देंगे हम आपको, 100 रुपए लीटर में हम दूध खरीदेंगे आपसे, 2 रुपए में हम आपसे गोबर खरीदेंगे, हम मुफ्त इलाज किया करेंगे सबका। न जाने कितने झूठ बोले दोस्तों, और करना तो क्या ही था, जो भाजपा की सरकार यहां कर रही थी उसका भी सारा बेड़ा गर्क कर। 2024 के चुनाव में दोस्तों, एक तरफ तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सनातनी सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, ये किसी से छुपा नहीं है कि ये जो सरकार है ये योगियों की सरकार है, तपस्वियों की सरकार है, और दूसरी तरफ है भोगियों की सरकार। सारे देश के जितने भी बिगड़े हुए शहजादे हैं उनका जैसे एक छोटा गुट बन गया हो। एक हमारे दिल्ली में हुआ बिगड़ा हुआ शहजादा, आप जानते हैं कि नेहरू के जो पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, उस टाइम के जैसे अंबानी उस टाइम के, लेकिन किसी को नहीं पता उनके पास वो संपत्ति आई कहां से। अंग्रेजों के बड़े चहीते थे वो, और आज तक ये रहस्य का एक विषय है कि उनके पास वो संपत्ति आई कहां से। उनके फिर पुत्र हुए जवाहरलाल नेहरू, वो क्यों प्रधानमंत्री बने किसी को पता नहीं, क्योंकि वोटिंग तो सारी वल्लभ भाई पटेल के नाम पर हुई थी। परिवारवाद की दीमक तब से इस देश में लग गई थी दोस्तों। उसके बाद उनकी बेटी हुई इंदिरा गांधी, जिसने इस देश को खुली जेल बना दिया, और हमारे संविधान में यह कहा जाता है उतना बड़ा तानाशाह आज तक हुआ था ना हुआ है। फिर उनके सपूत हुए संजय जी, जिन्होंने लोगों को पकड़ पकड़ कर उनकी नसबंदी की, और ना जाने कितने उन पर और जुल्म किए, अन्याय किए। फिर उनके बेटे राजीव गांधी हुए, जिनके छोटे से कार्यकाल में उन्होंने ना जाने कितनी कॉन्ट्रोवर्सियां कर दी। फिर उनकी इटालियन वाइफ आई, जिन्होंने कहा गया मैं यहाँ इटालियन सरकार चलाऊंगी। ये मजाक बन के रह गया है देश, परिवारवाद है या कोई भद्दा कोई मजाक है इस देश के साथ, जिसका मन करता है वही यहाँ पे आकर अपना खेल शुरू करता है। क्या हमारे 140 करोड़ लोगों में किसी में इतनी योग्यता नहीं है कि हम सरकार चला सके अपने देशवासी? आजादी के बाद अभी भी हमारे उनमें कहीं ना कहीं वो गुलामी का चिन्ह था 2014 तक, जबकि हम अपनी सरकार नहीं बना सके, और फिर भी बाहर के ही लोग जो है अंतरराष्ट्रीय लोग, अंतरराष्ट्रीय सरकारें यहां पे चल रही थी दोस्तों। और वही बिगड़े हुए उनके शहजादे, अब उनका भी वही दिखता है, आते हैं भाषण करते हैं, कहते मैं चांद पर आलू उगाऊंगा, आते हैं बात करते हैं और एकदम से ब्लैंक हो जाते हैं। एक दिन तो आया मोदी जी को उन्होंने हग कर लिया, और फिर जाते जाते आंख मार के ले, कार्टून नेटवर्क जैसे मानो कोई कार्टून हो, एक हास्य पात्र बन के सबके लिए रह गए हैं वो और हमारे विपक्ष के सारे लोग। मैं मानती हूं कि कांग्रेस में कोई और भी लोग हो सकते थे जो कि वो पद भी जो है उसके वो हकदार हैं, लेकिन वो नहीं ले सकते क्योंकि ये राजा बेटा कहते हैं कि हमें ही चाहिए, हम ही करेंगे, चाहे जनता को चाहिए चाहे नहीं ले, बार बार लॉन्च होते हैं ये, बार बार इनको लॉन्च किया जाता है। ऐसे ही वो तेजस्वी यादव मछली उछाल उछाल के खाते हैं, तरीका होता है खाना खाने का, बिगड़े हुए बच्चे साफ दिखता है कि ज्यादा दौलत शोहरत ऐशो आराम ने इनको बिगाड़ दिया है। और एक ऐसे ही छोटे शहजादे यहां पर हैं जो मुझे कहते हैं कि यह पवित्र है, क्यों, तो आपका कोई अपोनेंट होना ही नहीं चाहिए, आप लोकतंत्र में भी ऐसा चाहते हैं कि आपके समक्ष कोई आए ना, ये कैसा लोकतंत्र होगा दोस्तों कि कोई आपके समक्ष आए ना, और अगर आता तो आपको कहना चाहिए ताकि मैं अपनी बहन का आदर से सम्मान करता हूं कि ये बेटी वापस आई है, जिसके मेरे पिताजी वीरभद्र जी मेरा बड़ा सम्मान करते थे, मेरे लिए बड़ी अच्छी और प्रिय बातें बोलते थे, उनको भी अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया, वही जो एक राजा बेटा से उम्मीद होती है उन्होंने वही काम किया, अपशब्द कहे, और सारा देश हैरान है कि वो बेटी वो कंगना
चाहे मैं राजस्थान चली जाऊं, चाहे मैं बंगाल चली जाऊं, चाहे मैं दिल्ली चली जाऊं, चाहे मैं मणिपुर चली जाऊं, ऐसा लगता है कि जैसे मानो इतना प्यार इतना सम्मान शायद मैं दावे से कह सकती हूं अगर अमिताभ बच्चन जी के बाद आज किसी को इंडस्ट्री में मिलता है तो वो मुझे मिलता है। और उस बेटी को उसी की जन्मभूमि पर, उसी की मातृभूमि पर इतने निंदनीय वचन बोले जा रहे हैं, इतनी गलत गलत बातें उस बेटी को बोली जा रही हैं, तो ये हिमाचल के लोग कैसे लोग हैं? इस तरह की पूरे विश्व में चर्चा हो रही है दोस्तों। आके देखें वो मेरे हिमाचल के कैसे लोग हैं, और 4 जून को देखेंगे जब ऐतिहासिक लीड सरकाघाट से लगेगी और सरकाघाट की जनता बताएगी कि वो बेटी का अपमान करने का क्या मतलब होता है। दिलीप जी देखिए किस तरह की बातें करते हैं बेटी के सम्मान में किस, लेकिन मीडिया वाले ये नहीं दिखाएंगे, मीडिया वाले ये नहीं दिखाएंगे कि जहां भी मैं जाती हूँ, चाहे मैं जाऊं रामपुर, चाहे मैं जाऊं सरकाघाट, चाहे मैं जाऊं भरमौर, चाहे मैं जाऊं स्पीति, हर जगह जन सैलाब उमड़ रहा है, हर जगह एक ही नारा है कि हमारी बेटी हमारे पास आ गई, हमारी बेटी हमारे पास आ गई। तो दोस्तों एक तरफ तो ये शहजादों की बिगड़ी हुई शहजादों की गैंग है, और एक तरफ हमारे तपस्वी नेता दिलीप जी देखे एक गरीब माँ के बेटे हैं, इनको कोई राजनीतिक विरासत नहीं मिली। मैं एक गरीब सामान्य घर से आती हूँ, इसीलिए शायद हमने गरीबी किसी पुस्तक में नहीं पढ़ी। दोस्तों हमने गरीबी देखी है, हमने गरीबी सच में संघर्ष देखा है कि क्या होता है उन बच्चों का संघर्ष जहां बच्चों में योग्यता होती है लेकिन संसाधन नहीं होते, हमने वो संघर्ष देखा है। 1,000 रुपए लेकर मैं मुंबई गई थी, हमने एक संघर्ष देखा है। और आज भी हम कभी किसी का अपमान नहीं करते, माता जी ने उनको, मैं माता जी कहती हूँ प्रतिभा जी को, माता जी ने मेरे बारे में कहा कि ये जो भीड़ उमड़ रही है ये कोई नेता के लिए नहीं उमड़ रही, ये कोई प्रत्याशी के लिए नहीं उमड़ रही, ये देखना चाहते हैं वो क्या चीज आई है मुंबई से, वो क्या हुसन परी आई है मुंबई से, वो ये देखना चाहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि उन्हें ये लगता है कि ये बहनें ये कोई चीज देखने आई हैं, ये मेरे जो भाई हैं ये हुसन परी देखने आए हैं, ये अपने प्रत्याशी से मिलने आए हैं, अपनी बेटी से अपनी बहन से मिलने आए हैं, उन्हें बात करने का तरीका नहीं है, उन्हें ये समझ नहीं है। तो दोस्तों जिस तरह की बातें, जिस तरह के अनाप शनाप मेरे बारे में कहे जा रहे हैं निश्चय ही चिंतनीय है, क्योंकि जब एक बेटी आगे जाती है तो हर एक बेटी आगे जाती है, जब एक मातृशक्ति सम्मान पाती है तो समस्त मातृशक्ति सम्मान पाती है। दोस्तों हमारी तरफ भारतीय जनता पार्टी आज ये बात नहीं कर रही कि वो जीतेंगे या हारेंगे, वो ये बात कर रही है कि वो 400 पार करेंगे या कितने पार करेंगे, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। मेरा ये मानना है कि आप लोग मुझसे कहीं ज्यादा देशभक्त हैं। मेरा ये मानना है कि जो हमारा जो मंडी का सांसद, हमारी जो ये सांसदीय क्षेत्र है, इसके बारे में लोगों का ये कहना है कि ये भाजपा का गढ़ है, ये सब सनातनी हिंदुओं से भरा हुआ है और ये देशभक्तों से भरा हुआ है, ये सारे देश में चर्चा होती है। मेरा ये मानना है कि आप लोग सब ये महत्वता को समझते हैं कि मोदी जी की सरकार का क्या महत्व है। आज 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाना कोई आसान काम नहीं था। आओ भी मांग रही थी तू मुझे पता है आस पास के इतनी सारी खड्डाइयां, कभी खड्डा कभी बाटा, पर 2014 तो पहले तू सब जो याद आ इतनी जो देखो थी शौच नहीं, हर जगह शौच, चलना मुश्किल होता, इतनी बुरी हालत थी हमारे देश की। और समस्त विश्व कहता था, हंसता था कि कैसे लोग हैं, जहां देखो वहां कूड़ा, जहां देखो वहां करकट, जहां देखो वहां शौच, अरे गरीब हैं, अरे तो गरीब हैं तो इनके यहाँ पर 2.5 लाख करोड़ का घोटाला, 3 लाख करोड़ का घोटाला, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, चारा घोटाला, अरे भाई इतने घोटाले कहां से हो रहे हैं अगर गरीब हैं? किस तरह का ये नेतृत्व है इनका, जनता गरीब है और पॉलिटिशियन अमीर है, ये कैसा देश है, एक हास्य का हम पात्र बन के रह गए।
और आज वो आलम है कि हम 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त का अनाज, 50 करोड़ जनधन खाते जिसमें किसानों के लिए 6000 की राशि हर साल, 34 लाख करोड़ से ज्यादा की धनराशि 50 करोड़ अकाउंट में डाली गई है विभिन्न विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, और आयुष्मान योजना से 5-5 लाख का इलाज सबके लिए, 70 साल के बुजुर्गों से लेकर हर जो भी जरूरतमंद है, आपको घर और आपको गहने नहीं बेचने पड़ेंगे। आज वो आलम है दोस्तों जब हमारी सरकार, हमारे मोदी जी जो जेब में कुछ नहीं रखते, जिनका अकाउंट नहीं है, जिनका घर नहीं है, जिनका परिवार नहीं है, संतान नहीं है, हमारे नेता गरीब और हमारी जनता अमीर, आज का ये आलम है। तो दोस्तों हमें इस बात में सोचने की जरूरत नहीं है कि वोट हमें किसको देना है, हमें उसी को वोट देना है जो गरीबों के साथ चलते हैं। ऐसा नहीं जो अपने महलों से उतरते ही नहीं, बस वोट मांगने के लिए आते हैं, वो नहीं दोस्तों। आज हमारी मातृ शक्ति के लिए जितना मोदी सरकार ने किया है उतना किसी ने भी नहीं किया। लखपति दीदी से लेकर, ड्रोन दीदी से लेकर न जाने कितनी योजना है, विधानसभा और लोकसभा में भी 33% आरक्षण से आज इसीलिए आपकी बेटी यहाँ पे खड़ी है, और आगे चलकर भी जब 2029 के चुनाव होंगे तो बहनों आप देखेंगी कि 68 सीटों में से 22 सीटों पर महिलाएं लड़ेंगी, अभी सिर्फ एक सीट पर महिला है। वो दृश्य मातृ सशक्तिकरण का वो दृश्य पूरा विश्व देखेगा और प्रेरित होगा। हम उस भारत की बात कर रहा है जो 11वीं नंबर से लेकर 5वें नंबर पर पहुंचा, 30वें नंबर पर जाने की बात कर रहा है। हम उस भारत की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान के आगे लड़कता और बिलखता नहीं है। याद होगा आपको वो मामला जब वो लोग हमारे होटलों में घुसकर बॉम्ब ब्लास्ट किया करते थे, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ करते थे दोस्तों, और जब कभी हमारे जो सैनिकों को कैप्चर कर लेते थे और हम उनके वापस मांगते थे तो उनके टुकड़े टुकड़े करके, सौरभ काले जैसे आंखें नोच के, गुर्दे नोच कर हम पे फेंका करते थे। ये पाकिस्तान की इस तरह से पाकिस्तान भारत को दबाया करता था, कश्मीर में जाके हिंदुओं को छोटे छोटे टुकड़े करके फेंका करते थे और कोई कार्रवाई उन पर नहीं होती थी। मनमोहन सिंह अमेरिका चले जाते थे, वहां हाथ जोड़कर रोने भी लखने की एक्टिंग करते थे, और फिर जब वापस आते थे तो आतंकियों को गले लगा के फोटो खिंचाते थे, वो सब फोटो आपको इंटरनेट पे मिलेंगे। हमें वो भारत भूलना नहीं है, किस तरह से हमारी मनोव्यथा होती थी जब जहां देखो आतंकी हमले, जहां देखो आतंकी हमले थे। और जो पाकिस्तान हमें परमाणु बम की धमकियां देता था दोस्तों, आज उस पाकिस्तान के हाथों में भीख का कटोरा थमा दिया है, कोई हैसियत नहीं छोड़ी है। आज पूरा विश्व देखता है जब मोदी जी उंगली उठा के बोलते हैं गलती कर गए तुम, गलती कर गए, तो वो अभिनंदन को चाय पिलाकर, हार डालकर, माफी मांगकर सरहद के पार छोड़ के आते हैं और बोलते हैं कि दूसरी बार हमसे ये गुस्ताखी नहीं होगी, एक बार हमें माफ कर दो। ये इस हालत कर दी है पाकिस्तान की अपने श्रेष्ठ और अपने नेतृत्व से। तो ऐसे एक तरफ एक महान यशस्वी प्रधानमंत्री है और दूसरी तरफ एक कार्टून गैंग। एक कार्टून गैंग ने दोस्तों जिस तरह से पूरे देश ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया है, हिमाचल से भी ये रिजेक्ट हो जाने चाहिए थे। कहीं ना कहीं हम लोगों को ये लगता है कि हम मोदी जी संभाल लेंगे, और ये बात बिल्कुल सही है कि जब से मोदी जी ने बागडोर संभाली है हमारे दिल में ये बात बैठ गई है कि देश अब अच्छे हाथों में, हम निश्चिंत हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है हमें अपना रवैया भी चेंज करना होगा। मात्र 32,000 सीटों से विधानसभा के, 32,000 वोटों से विधानसभा के चुनाव हम 68 सीटों पे हार जाते हैं, बहुत मामूली सा नंबर है। 7,000 उपचुनाव जब हुए थे ब्रिगेडियर जी में और प्रतिभा जी में, 7,000 बहुत ही छोटा सा मार्जिन था दोस्तों। अटल जी की सरकार एक वोट से गिर गई थी लोकतंत्र में दोस्तों। तो हमें यह संकल्प लेना है, एक एक इंसान ना कि खुद वोट देने जाएंगे बट अपने साथ 10-10 बहनों को, 10-10 भाइयों को लेके जाएंगे दोस्तों। ये हमारा संकल्प होना चाहिए हमारे देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए। और बाकी इतना मेरा अपने इलाका इतनी मिंजो लग जानी, अभी मिंजो कोई रिक्वेस्ट कर रही थी जरूर थी, क्योंकि मिंजो लगाई थी 100% वोट मेरे ही आए,
ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਆਇਆ ਵੀ ਕੰਗਨਾ ਹੀਰੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਗਨਾ ਤੂੰ ਕੀ ਆਹ ਕੰਮ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹਰੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕੰਗਨਾ ਕੁਛ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੁੜੇ ਵੀ ਜੇ ਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤ ਬੋਲਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤ ਬੋਲਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਹੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਹੂੰ ਤੋ ਉਨਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮਾਰੀ ਕਿਆ ਹੈਸੀਅਤ ਜਬ ਵੋ ਖੁਦ ਕੋ ਸੇਵਕ ਕਹਤੇ ਹੈ ਤੋ ਹਮ ਵੀ ਸੇਵਕ ਹੀ ਹੈ ਹਮ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਂਗੇ ਕਿ ਹਮ ਨੇਤਾ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਹਮ ਐਮਪੀ ਬਣ ਗਏ ਐਸਾ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਂਗੇ ਹਮਾਰੀ ਵੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਮ ਸੇਵਕ ਹੈ ਹਮ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਸੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜਹਾਂ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜਨਤਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਨੇਤਾ ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ नेता तपस्वी होना चाहिए नेता सनातनी होना चाहिए तो दोस्तों हम उस विचारधारा से आते हैं हम अंग्रेजों के बचे खुचे अंश नहीं हैं हम इस भारत की जो भारत में जब भ्रष्टाचार और गरीबी और पाप और अधर्म का कीचड़ था उसमें खिला हुआ हम कमल हैं हम भारतीय जनता पार्टी हैं तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का ये कमल हमें अवश्य ही मंडी में खिलाना है और दोस्तों ऐसी ऐतिहासिक लीड हमें यहाँ से देनी है कि सारा भारत गर्वित हो जाए कि कंगना अपनी बेटी को अपनी बहन को सरका घाट ने क्या सम्मान दिया और क्या प्यार दिया बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग यहाँ आए आप लोगों ने अपना वक्त दिया और मुझे अपने दर्शन कराए मैं बहुत प्रसन्न हो गई और आप लोगों का बहुत दिल से अभिनंदन करती हूँ धन्यवाद करती हूँ भारत माता की जय भारत माता की जय श्री राम जै।